डीएम नीतीश कुमार ने ये सिद्ध कर दिया कि अगर अच्छे मन से कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। डीएम के अथक प्रयासों और उनके द्वारा शुरू किए गए मिशन कायाकल्प ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी, जिसके बाद खुद सीएम ने मिशन कायाकल्प की तारीफ की और उसे पूरे प्रदेश में लागू किया। बरेली में कॉन्वेंट स्कूलों से नाम कटवाकर करीब 10,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। इसके बाद अब डीएम नीतीश कुमार ने बरेली को देश प्रदेश में नई पहचान दिलाने के लिए 2,200 बीघा में ग्राम्य वन का आज नए साल पहले दिन शुभारंभ किया है। ग्राम्य वन से जहां वातावरण शुद्ध होगा तो वहीं वहां पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। ये पार्क इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। पूरे इलाके में फैल जाता है और यहाँ इतना पानी होता है कि मैं समझ रहा हूँ 8-10-15 फीट तक पानी इस एरिए में बरसात के दिनों में आ जाता है। बाढ़ का क्षेत्र है, उस चीज का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक बाढ़ के पानी का हम ध्यान नहीं रखेंगे, कितना भी समतलीकरण कराएं, कितने भी वृक्ष लगाएं, और बाढ़ आएगी सारा बहा करके ले जाएगी, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि बाढ़ को देख करके ही इस क्षेत्र का विकास हमको करना है। दूसरे सड़क अच्छी बन जाएगी और जैसा जिलाधिकारी जी ने कल्पना की, ये सही है कि हमारा देश और प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और सरकार की भी मंशा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी मंशा है कि जब तक गांव विकास नहीं करेगा, जब तक गांव के लोग विकास नहीं करेंगे, जब तक किसान विकास नहीं करेगा, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और 180 एकड़ लगभग 2200 बीघा में जो ग्राम बन का बन की कल्पना जिलाधिकारी जी ने की गई है, ये कोई मामूली नहीं है। और 5,000 लोगों को रोजगार देने का कि मशीनीकरण से कम काम कराएंगे, बल्कि गांव के लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस बात की चिंता भी उन्होंने करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देखें मिशन कायाकल्प के कर लगभग 2200 बीघा में जो ग्राम बन का बन की कल्पना जिलाधिकारी जी ने की गई है, ये कोई मामूली नहीं है। और 5,000 लोगों को रोजगार देने का कि मशीनीकरण से कम काम कराएंगे, बल्कि गांव के लोगों को कैसे रोजगार मिले, इस बात की चिंता भी उन्होंने करने का काम किया। मैं बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देखें मिशन कायाकल्प के तहत विद्यालय कितने सुंदर बनाए गए, आंगनवाड़ी अच्छे से संभालने का काम किया गया है। मैं जिला प्रशासन अधिकारी जी के साथ उस दिन बिरिया गांव में गया था, जिलाधिकारी जी, कई जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन एक सुंदर वातावरण और बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से और गांव में पढ़ने वाले बच्चों का, क्योंकि सरकार की मंशा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोमल बच्चे होते हैं, उनका मन बहुत ही कोमल होता है और उस वातावरण का प्रभाव उन बच्चों पर बहुत पड़ता है। जब वातावरण अच्छा होगा तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो निश्चित तौर पर आगे जाकर के तरक्की करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश की चिंता कर रहे हैं, 2020 संकट का समय रहा और उस संकट से उबर करके हम 2021 में प्रवेश कर रहे हैं और 2021 का आज पहला दिन है और पहले दिन एक अच्छी शुरुआत इस गांव से, इस जिले की होनी जा रही है।
कहा है कि जो पहले दिन किसी चीज की अच्छी शुरुआत होती है तो अंत भी एक अच्छी शुरुआत के साथ होता है। लोगों का जीवन कैसे अच्छा हो, लोगों का सामाजिक जीवन कैसे सुधरे, क्योंकि आर्थिक सामाजिक जब तक लोगों का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और लगातार सरकारें इस प्रयास में, हमारी सरकार लगी हुई है, हमारे मुख्यमंत्री जी लगे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हैं,